हाँ जी, इस वीडियो के विच मैं गल करन जा रहा हूँ साउथ कोरिया दा बिल्कुल लास्ट, आपां कह सकते हैं कि लास्ट कॉल है। जिहड़े कैंडीडेट्स ने साउथ कोरिया दे विच स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है D4 वीज़ा, उन्हां लई इह लास्ट कॉल क्यों है? क्योंकि 8 सितंबर इहदी डेडलाइन है, दसंबर अनटेक है। इह तुहानूं गल क्लीयर होगी। दूजी चीज़, ये लास्ट कॉल क्यों है? अज 21 अगस्त होगी, जे तुसी मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 25 तरीक तक या 22 तरीक तक तुसी केस स्टार्ट करता, सब तो पहला तो सैटरडे संडे मिनिस्ट्री बंद है, डाकूमेंट अपोस्टल ते लगेगा पूरा 1 हफ्ता। जे नहीं करवाए तो डाकूमेंट पहला पोस्टल करा लो फिर मैनू कॉल कर लो। डाकूमेंट अपोस्टल ते लगेगा 1 हफ्ता। नंबर 2, जिमें कि आप यूनिवर्सिटी के विच कुछ दे विच ऑनलाइन अप्लाई करांगे, कुछ दे विच आपां नूं उते डाकूमेंट्स नूं मेल करने पैंदे आ, ईमेल नहीं मैं मेल दी गल कर रहा, जिवें कि कोरियर करने पैंदे आ। सो डाकूमेंट नूं कोरियर करन वास्ते भी 2 या 4 दिन लगनगे। सो इह चीज़ां उदों तों पहलां कंप्लीट होईयां होणियां जरूरी आ। हुण तुसीं कहोगे एलीजिबिलिटी क्राइटीरिया की है, 50% नंबर है कि नहीं अक्सैप्टेबल है, गैप हैगा अक्सैप्टेबल है, बट फंड नहीं है फिर अक्सैप्टेबल नहीं है। घट्टो घट 10 लाख रुपया फंड होना जरूरी है, नहीं है अपने अकाउंट के पाओ, फ्रैश पा लो, MSME का डाकूमेंट बना लो, बट ज़्यादा उलझाओ ना जी मेरी पेमेंट इतों आई है, जी मेरा ट्रक यूनियन है, मेरा फलाना है, जो यहोजे कुछ है ही नहीं, उन्हें छड़ दो। अपने मदर के अकाउंट के पैसे पाओ, जिमें कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपने को कई बार पेमेंट ऑफ सोर्स इनकम बाले ज़्यादा, मतलब कि निकी निकी लतावान बालियां होंगे, समझिए। सो उन्हें चीज़ों के ज़्यादा भी बयान करोंगे, मैं इतों भी डेयरी फार्मिंग भी आँदी है, मैं जमीन के पिछों भी आता है जी, मैं पेंशन भी आँदी है, ये चीज़ें जो तुम ज़्यादा बयान करोगे ना, उन्होंने कोई वो नहीं करना, उन्होंने कोई नाम नहीं देना भी अपने को ज़्यादा पैसे आते हैं, उन्होंने सिर्फ फंड देखने। सो चुप करके अपने मदर का अकाउंट खिलाओ, उन्होंने MSME के डाकूमेंट बनाओ, उन्हां दी इनकम टैक्स या ITR रिटर्न भराओ, दैन वीज़ा 100% गरंटी करता आऊगा। पर जे वीज़ा रिजैक्ट हो गया दैन वीज़े नूं दोबारा फैल अप्लाई करो। जे मेरे तो पिछले स्टार्ट करवाओगे ना, मैं दोबारा अप्लाई करूँगा। दोबारा अप्लाई करने का की फायदा है? कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी, कोई कुछ नहीं, कल्ला डेफर नाल दी नाल अनटेक हो जाऊगा, क्योंकि इस दे विच अनटेक वाला काम नहीं, इस दे विच रोलिंग अनटेक। जे उन्हां ना थोड़ा ना वीज़ा है कोई नहीं, महीने बाद दोबारा फिर आज ये हरेक 2 महीने बाद अनटेक है, 2-2 महीने बाद अनटेक आ जाता है। सो ये फिर नैक्सट अनटेक लिए अपलाई हो जू, नैक्सट अनटेक के बच्चे उलझो 6 महीने बाद 2-2.5 महीने बाद अनटेक होंगे, फिर वो एडमिशन लैटर आ गया, फैल मैसेज लग जू, सिर्फ 4200 रुपया पे करना है, 4200 रुपया पे करना है, दैन वीज़ा आ जाऊगा। 2 लाख रुपया अकाउंट के होर पा लियो, जिमें पहला 10 लाख शो किया 12 लाख शो कर लियो, 1 का इनकम प्रूफ होर ला लियो, क्योंकि साउथ कोरिया का वीज़ा सिर्फ तो सिर्फ थोड़े इनकम प्रूफ नू देना, सोर्स ऑफ इनकम नू देना है। मैं मानता है अकैडमिक चेक करते ने, पर नार सोर्स ऑफ इनकम सब तो मेन चीज़ है, जो उसनू तुसी वेरीफाई नहीं किया होया दैन थोड़े वीज़े आने के चांस बहुत ही ज़्यादा घट होंगे। हुण तुसी मैनू कॉल करके स्पैशल चीज़ें पुछोगे, मैं सानू जिहड़ी चीज़ां ऑलरेडी वीडियो दे विच दस चुके। सो जे तुसी साउथ कोरिया दे बारे किसी भी तरह की, चाहे वह D2 वीज़ा है, चाहे वह D4 वीज़ा है, जानकारी लैना चाहते हो, मैनू कॉल कर सकते हो, मेरे दिते हुए नंबर उपर कॉल कर सकते हो। मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो, वीडियो नू लाइक करो, एंड बाद तो बाद शेयर करो, बाकी जिवें तुहानू ठीक लगे। मेरी ड्यूटी है इनफॉर्मेशन देनी जिहड़ी कि थोड़े तक पहुँच गई। हुण अप्लाई करना मनना ना मनना थोड़ी है, मैनू कोई मर्जी नहीं। सो जिवें तुहानू ठीक लगे तो खुशी रहो, राजी रहो, सत श्री अकाल।